तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोग की गेम में मल्टीप्लेयर मोड आ गया है और मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर खेल रहा हूँ। तो गाइज आप लोग भी अपने दोस्त के साथ खेलना चाहते हो तो इस वीडियो को लगातार एंड तक देखते रहिएगा। तो देखो गाइज यार, काफी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि अपने इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम में न्यू मल्टीप्लेयर मोड ऐड करवा दो। तो गाइज इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम में न्यू मल्टीप्लेयर मोड कैसे ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ कैसे खेल सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस सर, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो गाइस सर आप लोग कमेंट कर दीजिए मल्टीप्लेयर चाहिए, तो गाइस सर मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट दे दूंगा जो भी कमेंट करेगा। तो चलो गाइस सर, बात करते हैं अपने इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम में आप लोग मल्टीप्लेयर मोड कैसे ले सकते हैं और मल्टीप्लेयर मोड को कैसे खेल सकते हैं। तो चलो गाइस सर, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन गाइस इससे पहले काफी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि गाइस उनके गेम में 90 डायल करते ही मॉडिफाइड थार नहीं मिल रहा। तो गाइस इसका सलूशन एक ही है कि गाइस अभी जो आप लोग के मोबाइल में गेम है इंडियन बैकग्राउंड 3D गेम, तो गाइस उसे अनइंस्टॉल कर दो एंड गाइस यार प्ले स्टोर पर जाके फिर से उसे डाउनलोड कर लो, यानी आप लोग का गेम अपडेटेड हो जाएगा। तो गाइस यार आप लोग जब 90 डायल करोगे तो गाइस आप लोगों को मॉडिफाइड थार देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस सर, मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपने इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम में मल्टीप्लेयर मोड कैसे ले सकते हो और अपने दोस्तों के साथ कैसे खेल सकते हो। तो गाइस यार मैं अगर आप लोगों को सही सही बताऊँ तो गाइस यार आप लोग खुद जानते हो कि अपने इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम में ऐसा कोई मल्टीप्लेयर मोड का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गाइस यार ये जो हम लोग का गेम इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम है तो गाइस ये ऑनलाइन गेम नहीं है गाइस, ये ऑफलाइन गेम है। तो गाइज अगर आप लोग अभी भी अपने इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम में मल्टीप्लेयर मोड को लेना चाहते हैं तो गाइज आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। तो गाइज आप लोग इस गेम इस वीडियो के नीचे जितना कमेंट कर सकते हो उतना भर भर के कमेंट कर दो। तो गाइज क्या पता ये वीडियो वायरल हो जाए, तो गाइज ये वीडियो रोहित गेमिंग स्टूडियो के पास पहुंचेगा तो गाइज वो समझ जाएंगे कि हम लोग इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम में न्यू मल्टीप्लेयर मोड का काफी ज्यादा मांग है। तो गाइज वो अपने अगले अपडेट में इंडियन बैकस्ट्रोन 3D गेम में न्यू मल्टीप्लेयर मोड ऐड कर देंगे। तो गाइज आप लोग कमेंट करोगे और लाइक करोगे, वीडियो शेयर करोगे तभी ये वीडियो वायरल होगा। तो गाइस यार फटाक से ये सब सारे काम कर दो एंड गाइस यार वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है।